हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर जो हमारे फ़ोन में रिंगटोन है तो रिंगटोन को हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में स्टार्ट शो हो रहे हैं, तो इसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स हैं इस तरीके से ओपन आते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है सेटिंग्स आइकन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अपने फ़ोन में हम रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्लिक कर देना है इसमें से साउंड एंड वाइब्रेशन पे। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स से ओपन हो गई है। फिर इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है रिंगटोन का, रिंगटोन पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमने फ़ोन में हम रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं, तो रिंगटोन को सेट करने के लिए हमें क्लिक कर देना है इसमें जो हमारा ऑप्शन आ रहा है। वहाँ पर रिंगटोन सर्च नहीं हो रही है, इसमें पहले आपको इस पर इसमें से आपको क्लिक कर देना पहले इसको यहाँ से ऑफ। तो हमारे पर रिंगटोन सर्च आएंगे, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। रिंगटोन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप किसी भी रिंगटोन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करते ही हमारे फ़ोन में रिंगटोन है सेट हो जाएगी और हमारे यहाँ पर शो हो जाती है। तो इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलिंग वगैरह आती है हमारे फ़ोन में तो रिंगटोन हमारे फ़ोन में शो करेगी। तो इस पर फ़ोन की सेटिंग जाकर रिंगटोन को हम सेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।